यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी जिसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली थॉर्नडाइक को ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे, जिसमें उनका आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थियोरी, कनेक्शनिज्म क्या है, इसके अलावा उनके लॉज क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट क्या था ये त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का, और थॉर्नडाइक के बारे में कुछ विशेष बातें। थॉर्नडाइक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये थियोरी दी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा काम किया अलग अलग क्षेत्र में मनोविज्ञान के, स्पेशली शिक्षा मनोविज्ञान के। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है उन्हें, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। साइकोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ने का बहुत बड़ा श्रेय जो है वो थॉर्नडाइक को ही जाता है। तो थॉर्नडाइक को समझना जरूरी है आपको, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी लगभग हर एग्जाम में। सीटेट में उतना नहीं आता है, बट फिर भी आया हुआ है क्वेश्चन इससे भी, बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स में, मेट, बीसी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, कोई भी एग्जाम हो आपका टीचिंग का, थॉर्नडाइक या ट्रायल एंड एरर लर्निंग या लॉज ऑफ लर्निंग कहीं से कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा, चाहे तो डायरेक्ट चाहे तो इनडायरेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेडागॉजी कैप्सूल की एक सीरीज मान सकते हो आप इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई कई बार आपके साथ प्लेलिस्ट में पूरा डिस्कशन किया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, शायद पूरे यूट्यूब पे आपको उतना मिले भी ना कहीं एक जगह। और तो बीच बीच में अब मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज को या आपकी डिमांड पे रिवाइज कराया जाता रहे, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। हिंदी पेडागॉजी का कोर्स चल रहा है, वो चलेगा, बट थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे बीच में और पेडागॉजी को रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करना क्या इंपॉर्टेंट है ये भी थॉर्नडाइक ही कहते हैं, उसको समझेंगे अभी। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है बात। तो बीच बीच से कुछ कुछ थियोरीज को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये पेडागॉजी कैप्सूल मानिएगा आप इसको, है ना। तो समझते हैं इस थियरी को। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए फिर समझेंगे, क्योंकि ये चीजें समझने वाली हैं। इसीलिए फिर आज की डेट में सब इग्नोर करने लग गए हैं कि ना डिस्कशन हो या थियरीज को पता नहीं कहाँ लेकर के जाएं, ना पढ़ाएं, बट क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग के काम आती हैं ये। अगर हंसी मजाक चलेगा कमेंट्स में, हंसी मजाक कौन करेगा, मैं करूंगी, है ना। तो आप लोग अगर ज्यादा करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो वैल्यू को समझते हुए थियोरी की डिस्कशन पर ध्यान देंगे हम, थोड़ा सा नाम लेने को थोड़ा इग्नोर किया जाएगा, ठीक है बात। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के बारे में यदि हम कुछ जानना चाहें, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका नाम है पूरा, ई एल थॉर्नडाइक। अब आप कहेंगे ये सब क्यों बता रही हूं मैं, उसका सिंपल सा मतलब है कि आप एसोसिएट कर पाएंगे, स्टोरीज से चीजें हमें याद रहती हैं तो आपको चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज फिर आपको रटना पड़ेगा जो कि ये वाली थ्योरी किसने दी, कैसे याद करें। अगर आपने उसको प्रॉपर थोड़ा बैकग्राउंड से जोड़ा हुआ है तो याद रहता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की यदि हम बात करें, इनका जन्म हुआ था मैसाचुसेट्स ही बोलते हैं ना, आई थिंक उसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी खतरनाक है। बेसिकली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको हम, और 1874 में इनका जन्म हुआ था। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने लगभग, पता नहीं, इनको एनिमल इंटेलिजेंस के लिए भी बड़ा सराहा जाता है। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी एक डेजर्टेशन भी थी, एनिमल साइकोलॉजी का भी आई थिंक इनको जनक कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। और इन्होंने कहा कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाय एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है, ये जो कनेक्शन है, जिसकी वजह से इस थियरी को कनेक्शनिज्म भी कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत। तो स्ट्रीमलेस रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का जो ये बॉन्ड बनेगा, इसको थियराइज किया थॉर्नडाइक ने। एक क्वेश्चन आया था या तो सुपर टेट में या यूपी टेट में कि एसआर बॉन्ड दिया किसने है, तो उस केस में आप थॉर्नडाइक के साथ जाएंगे। अदरवाइज पेवलोव ने भी इसको यूज किया है, बाकी बिहेवियरिस्ट भी इसको यूज करते हैं, बट थियराइज किसने किया है या इन्होंने पर्टिकुलरली जोड़कर बताया उसको प्रॉपरली, तो इनको हम श्रेय देंगे स्ट्रीमलेस रिस्पॉन्स बॉन्ड के लिए, ठीक है बात। तो लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाय एंड रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया। अब उद्दीपक क्या है, कई लोग आप में से, क्योंकि कहीं कहीं से आप जागे होंगे पढ़ने के लिए, उद्दीपक क्या है? उद्दीपक कोई भी एक चीज हो सकती है जो आपको बाधित करे एक्शन लेने पे। अब ये नेचुरल भी हो सकता है, जैसे खाना देख करके मुंह में लार का आना, सेलिवेशन होना, या फिर इससे क्या होगा, स्टिमुलस है कोई एक ऐसी, उद्दीपक कोई एक ऐसी चीज है जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है। तो ये जो स्टिमुलस है, इसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का एसोसिएशन लर्निंग है, जब ये दोनों चीजें साथ में जुड़ती हैं, एक बॉन्ड बनता है, कनेक्शन बनता है, तब लर्निंग होती है, ऐसा कह रहे हैं थॉर्नडाइक। सिंपल बात है, यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या हो तो बताओ। अनामिका सिंह, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के बारे में यदि बात करें तो इन्होंने लगभग सभी एनिमल्स
पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। इवन जो विलियम जेम्स थे, अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस देखे हुए हैं यूट्यूब पे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, 1890 में, जो कि बहुत फेमस बुक हुई थी। तो जिस टाइम पे उन्होंने वो लिखी थी, उन्हीं की उस बुक से इनकी शुरुआत हुई साइकोलॉजी पढ़ने की। और बाद में ये जाकर के हार्वर्ड में भी इन्होंने काम किया और उनसे भी मिले, विलियम जेम्स से भी। तो इनके लैंडलॉर्ड ने इनको एक्सपेरिमेंट करते रहते थे चिक्स पे, वो जो चूजे होते हैं आई थिंक, तो निकाल दिया था बाहर के भाई ये भसड़े यहाँ मत फैलाओ, है ना, इस तरीके से। तो विलियम जेम्स ने भी इनको हेल्प की रूम दिलाने के, अपने घर पे भी कुछ टाइम उनको एक्सपेरिमेंट करने दिया। तो इन्होंने लगभग सभी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो पिजन हो, रैट हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, बस एप्स पे नहीं हो पाया था, वो जो चिंपैंजी है, क्योंकि ये खरीद नहीं पाए थे, महंगे आते होंगे एप्स उस टाइम पे, है ना। तो लेकिन हम इनको जानते मेनली बिल्ली के एक्सपेरिमेंट के लिए हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग में। ठीक हो गई बात, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। इन्होंने इंटेलिजेंस से लेके लॉज ऑफ लर्निंग से लेकर के दुनिया भर के लगभग हर क्षेत्र में ही काम किया है। बिने के साथ भी इन्होंने काम किया था इंटेलिजेंस में, तो अपने आप में बड़ा नाम है थॉर्नडाइक, हम ये कह सकते हैं। टॉलमैन तो कहते हैं कि लर्निंग में जो भी काम हुआ है सब इनसे प्रभावित है। आगे बढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, एक्सपेरिमेंट क्या था और इसका क्या चीजें निकल करके आई, और इस एक्सपेरिमेंट में फिर बात करेंगे कि कौन सी चीजें, क्या सब्जेक्ट है, क्या स्टिमुलस है, क्या मोटिवेशन थी और कैसे कहानी बनी। अब सिंपल पजल बॉक्स लिया, स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको कहा जाता था स्किनर बॉक्स। इनके इस बॉक्स को एक पजल बॉक्स का नाम दिया गया। पजल बॉक्स इसलिए क्योंकि अपने आप में पजल है, इसको सॉल्व करके ही बिल्ली बाहर आएगी, है ना। कैट को प्लेस किया गया इसके अंदर, इस पजल बॉक्स के अंदर। अब यहां पर इस तरीके का जुगाड़ है कि ये जो स्ट्रिंग जा रही है, ये जो रस्सी मान लो आप, ये इस तरीके से अटैच्ड है इस लिवर से कि यदि ये प्रेस हो जाएगा तो ये तुरंत खुल जाएगा। और बाहर एक मछली रख दी, मान लो फिश को स्मैश करके रख दिया, वो जो फिश की स्मेल है या फिश है वो स्टिमुलस का काम करेगी, उद्दीपक का काम करेगी, जिसकी वजह से, क्योंकि अब बिल्ली भूखी है तो क्या होगा, खाना चाहेगी फिश को, तो बाहर तक वो अटेम्प्ट करेगी कि उस फिश तक पहुंचा जाए, उस स्टिमुलस तक पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सेज देगी, बहुत सारे रिस्पॉन्स करेगी, रैंडम रिस्पॉन्सेज, यहां हाथ मारा, वहां मारा, पैर हाथ पैर जो भी है, कोशिश की बाहर निकल के आ पाए बट नहीं पहुंच पा रही। कोई एक रैंडम रिस्पॉन्स ऐसा हो जाएगा जो ट्राई किया एरर हुआ, ट्राई किया एरर हुआ, मतलब प्रयास किया फिर गलती हुई, प्रयास किया फिर गलती हुई। यहां हारने का कोई चांस नहीं है जब तक आप ट्राई करना नहीं छोड़ देते, जैसे लाइफ में भी होता ही है, जब तक आप ट्राई करना नहीं छोड़ देते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो वो वाली कहानी है, प्रेस किया लेवर को, एक बार सही रिस्पॉन्स हुआ, और जैसे ही रिस्पॉन्स सही होगा एक रिवॉर्ड बाहर तैयार है स्टिमुलस के रूप में, फिश खाने को मिल जाएगी। अब हुआ क्या, बहुत सारे रैंडम रिस्पॉन्स किए, मान लो बिल्ली ने 100 रिस्पॉन्स किए होंगे, 100 बार प्रतिक्रिया दी होगी इस पजल बॉक्स में सही रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए। अगली बार जब उन्होंने बिल्ली को डाला तो हुआ क्या कि मान लो शुरुआत में 100 अटेम्प्ट लगे बाहर आने में, इस लिवर को प्रेस करने में, क्योंकि बिल्ली को थोड़ी पता है कि लिवर प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, वो तो रिस्पॉन्स दे रही है बस, क्योंकि स्ट्रीमलेस बाहर है, रैंडम रिस्पॉन्स दे रही है, ट्राई कर रही है कि क्या पता सफलता मिल जाए। अगली बार 80 करने पड़े होंगे, हो सकता है उसके अगली बार 50 ही करने पड़े हों। 4-5 बार जब ऐसा हुआ होगा तो अब बिल्ली अंदर जाती है, डायरेक्ट लिवर प्रेस करती है और बाहर आ जाती है। दैट मींस स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन से, संबंध से, बॉन्ड से लर्निंग हो गई। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जुड़ने से ये जो एसोसिएशन बना, ये जो संबंध बना, सहचर्य कह सकते हो आप एसोसिएशन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इससे लर्निंग हो गई। तो हम कह सकते हैं बार बार ट्राई करने पर गलतियां हुई, फिर गलतियां हुई, फिर ट्राई किया, एक बार लर्निंग हो जाएगी। और जैसी लर्निंग हो जाएगी, जितनी ज्यादा आप ट्राई करते हैं उतनी गलतियां कम होती जाती हैं। अब बिल्ली को आप डायरेक्ट डालेंगे वो उतनी गलतियां नहीं करेगी जितनी पहले कर रही थी, अब तुरंत से बाहर आ जाएगी। तो ये कहानी है कुल मिलाकर के ट्रायल एंड एरर की, कि हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने से या प्रयास करने से, प्रैक्टिस से गलतियां कम होती हैं, लर्निंग होती है, और सही रिस्पॉन्स जब आएगा तो रिवॉर्ड मिलेगा ही। ठीक हो गई बात। बेसिकली रिवॉर्ड से याद आया कि रिवॉर्ड जैसे शब्द या रीइंफोर्समेंट जैसे शब्द, पनिशमेंट जैसी चीजें, थॉर्नडाइक ने इन शब्दों को चलन में लाया एजुकेशन के अंदर, यानी शिक्षा के अंदर। ये शब्द तो थे बट प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होते थे इनसे पहले जो लोग थे, क्योंकि इन्होंने बहुत इनिशियली काम शुरू किया है, है ना। बेशक स्किनर ने इसको यूज किया बट स्किनर 1920th सेंचुरी के आसपास काम कर रहे हैं, ये बहुत पहले से थे। ठीक है बात यहां तक की, कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक की बात ठीक है। अब थोड़ा सा, काफी कुछ है थॉर्नडाइक में समझने को, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, ये तो बस आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये भी इमेजेस के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि भाई बिल्ली अंदर गई होगी इस पजल बॉक्स के और कोशिश की होगी
पहुंचने की फिश तक, ऑब्वियसली फिश को इतनी दूर रखा गया है कि वो अंदर से तो नहीं पहुंच पाएगी। फिर और उसने प्रयास किए, टेढ़े मेढ़े कूदे, कुछ किया, आपको बंद कर दिया जाए किसी बॉक्स में तो आप भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, है ना। वो मूवी देखी होगी आपने, ट्रैप्ड, क्या नाम है उसका, राजकुमार राव है आई थिंक उसमें, तो वो हर कोशिश कर लेते हैं बाहर आने की। खैर वहां कोई ऐसा स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला बॉन्ड नहीं था, बट वही मान लो कि हम जब प्रॉब्लम में या कहीं भी किसी सिचुएशन में होते हैं तो रिस्पॉन्सेज देते हैं, सही प्रतिक्रिया जब तक करेंगे नहीं तब तक लर्निंग होगी नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, सही लिवर प्रेस करते ही बिल्ली बाहर आ गई एकदम शेर की तरह और खाना मिल गया। अब ये बार बार जब चीज हुई तो गलतियां कम हो गई, लर्निंग हो गई, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बन गया। स्टिमुलस फिश है, बिल्ली भूखी है, सही रिस्पॉन्स करेगी और बाहर आ जाएगी, तो ये SR बॉन्ड एक कनेक्शन बन गया, इसलिए कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है, ठीक हो गई बात। लॉकडाउन कैट का, हाँ अब तो आप सबको पता है कि मतलब लॉकडाउन सही है यार, सही है, ग्रेट। हाँ, सीट हाइट स्टिमुलस है और लेट्स लर्न रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे समझेंगे। देखो फोकस की जरूरत है, अगर थियरी समझ रहे हो तो समझो आराम से। देखो अब ट्रायल एंड एरर लर्निंग ईएल थॉर्नडाइक ने दी, हमने बातें समझ ली, लेकिन इस चीज से कुछ निष्कर्ष निकल के आए होंगे। यहां सब्जेक्ट यानी कर्ता मान लीजिए आप, क्या था सब्जेक्ट, कैट थी इस एक पूरे एक्सपेरिमेंट में। स्टिमुलस क्या है, फिश है। मोटिवेट क्या कर रहा है, वो जो कैट है उसको, उस फिश की स्मेल। ड्राइव क्या है, हंगर। मान लो ड्राइव ही नहीं होती, उसका पेट पहले से भरा हुआ होता तो आराम से 2 घंटे बैठ के तब ट्राई करती, है ना, तो ड्राइव का भी होना जरूरी है, भूख है वो, ठीक। ड्राइव मतलब जो चीज आपको भगाए एक तरीके से, एक्शन लेने पे की इच्छा भी तो होगी ना कहीं से, जॉब लेने की ड्राइव है आपके अंदर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी या लर्निंग के नाम से हम इसको जानते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है ट्रायल एंड एरर सीखने की। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा ही जाता है, एनिमल इंटेलिजेंस पे भी इन्होंने काम किया है, वहां भी इनको काफी तवज्जो दी जाती है। अब लॉज ऑफ लर्निंग इन्होंने दिए हैं जो काफी 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 फेमस हैं। लॉज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के कुछ नियम दिए थॉर्नडाइक ने। अब उन कुछ नियमों को भी 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया, बहुत सीरियस तो नहीं लग रही हूं मैं, दो कैटेगरी में विभाजित किया गया। एक तो थे प्राथमिक नियम सीखने के यानी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के गौण नियम। समझ में तो आ ही गई है बात यहां तक। अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, प्राइमरी यानी जो प्राथमिक है, मुख्य है, और सेकेंडरी जो कहीं ना कहीं इनसे ही प्रभावित होकर के बने हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। 8 सेकेंडरी लॉज हैं और 3 प्राइमरी लॉज हैं, टोटल मिलाकर के 11 हो गए। इसी बात पे मेरी कॉफी ठंडी हो जाएगी। यहां तक की कोई समस्या हो तो बताओ, मैं 2 मिनट डाउट देखूंगी फिर आगे बढ़ेंगे, आप मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। अच्छा रश्मि जी, धन्यवाद। क्या हुआ मानस, आज तो सही है, 9:30 का तो टाइम है अब डेली का, हम कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। कल हम सीटेट की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, नेम लेने वाला सेशन करेंगे, संडे को करेंगे, संडे वार्ता को। ग्रेट, चलिए आ जाते हैं वापस से। अब प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से लॉज हैं और कैसे कहानी चलती है। प्राइमरी लॉज सिर्फ 3 हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपको। सेकेंडरी से क्वेश्चन कम आता है, बट आ जाए तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होते कि सेकेंडरी कह क्या रहे हैं, है ना। तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस का नियम। अब समझ लेते हैं इन तीनों को थोड़ा सा विस्तार में, पढ़ाई कर लीजिए, डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। जो लोग सोए हुए हैं ना ये साल 2020 में कि पेपर तो इस साल कोई होना नहीं है या होगा तो पता नहीं कब होगा, जब जाग जाएंगे बहुत पीछे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, अभी हम थॉर्नडाइक के थ्रू समझेंगे कि क्या पावर है डेली पढ़ने की, है ना। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कह लीजिए आप, एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी प्रयास का नियम, और तीसरा एक नियम है अपना लॉ ऑफ इफेक्ट का, मजा आएगा समझने में इसको, लॉ ऑफ
इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। ठीक है बात। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? रेडीनेस मतलब तत्परता। अगर आप रेडी नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, करने के लिए, तो आप वो नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं हो पाएगी ठीक से। जबरदस्ती अगर आपकी विलिंगनेस के बजाय ही आपको कोई कहे कि ये काम कर लो, हो सकता है आप बच्चा क्लास में बैठा हो बट उसका ध्यान ही नहीं है, तो अब ये तत्परता किसी भी वे में हो सकती है, चाहे वो उसका संज्ञानात्मक फिजिकली रेडी होना हो, चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, कैसे पढ़ेगा, तैयार ही नहीं है, कह लीजिए आप कुछ भी। तो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली प्रॉपर तरीके से तैयार होना जरूरी है। तो आपको माहौल ऐसा देना है बच्चे को कि वो तत्पर फील करे सीखने के लिए, नहीं तो आप कितना भी वही बीन बजाने वाली बात हो जाएगी भैंस के आगे, तो कितना भी कुछ भी कीजिए आप, फिर वो नहीं सीखेगा क्योंकि वो रेडी नहीं है, वो अलग ही दुनिया चल रही है उसकी, बेशक वो क्लासरूम में बैठा हो। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है आपको याद हो तो, कि अटेंडेंस से ज्यादा क्या जरूरी है कि बच्चे मोटिवेटेड हो, क्वेश्चनिंग कर रहे हो। अटेंडेंस तो आप डंडे के दम पे भी बिठा सकते हैं बच्चे को क्लास में, बट रेडी है कि नहीं है सीखने के लिए। तो बिना तत्परता के आप, चाहे इसके लिए आप कहानी सुनाइए, चाहे आप इसके लिए कोई एग्जाम्पल दीजिए, चाहे कोई एक्टिविटी कराइए, माहौल ऐसा होना चाहिए अंदर और बाहर दिमाग के बच्चा तत्पर फील करे, रेडी फील करे। इसमें इवन अगर मान लो थर्ड क्लास के बच्चे को आप सेवंथ क्लास का सिलेबस कराओगे तब भी रेडी कैसे होगा वो? तो हर प्रकार से, चाहे वो संज्ञानात्मक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, है ना? बिल्कुल हाँ, टाइम यही रहेगा डेली का। फिर है प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो ये तो आपने पता नहीं कितनी सारी कहावतें भी सुनी है हमारे यहाँ, जो पूरी एक कहावत है हिंदी में वो भी चलती है कि ऐसे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, या उसके आगे भी एक लाइन है, मतलब रस्सी भी क्या है अपने छाप छोड़ जाती है प्रैक्टिस के थ्रू, या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमेन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस से क्या होगा, जितने ज्यादा प्रयास किए जाएंगे, बिल्ली ने जितने ज्यादा प्रयास किए उतनी बेहतर लर्निंग होती चली गई, गलतियां कम होती चली गई। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, बेशक ये थियोरी आप पांचवी बार पढ़ रहे हो थॉर्नडाइक की, लेकिन जितने आप ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे अलग अलग तरीके से, लर्निंग बेहतर होगी, है ना? इसमें भी दो चीजें हैं, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। यूज मतलब जिस चीज को हम यूज करेंगे, जो चीज हमारी प्रैक्टिस में होगी वो उसकी लर्निंग बरकरार रहेगी, लेकिन जो चीज हमारे यूज में नहीं है, जैसे 6 महीने से कोई अगर ये बैठा हो कि जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, तो चीजें काम नहीं आएंगी फिर वो समय पे। क्यों? क्योंकि वीक होती चली जाएगी जो लर्निंग का बॉन्ड है, वो जो कनेक्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, वो वीक होता चला जाएगा, क्योंकि आपके डिसयूज कर रहे हैं आप, यूज में ही नहीं है वो चीज। मान लीजिए आप कोई डॉक्टर हैं और आपने 4 साल की MBBS की, उसके बाद आपने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी, तो जो सीखा था उसका बॉन्ड वीक होता चला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गलतियां ज्यादा होंगी यदि फिर से शुरू करेंगे तो। जैसे मैथ्स मान लीजिए बहुत साल तक ना पढ़े हम, प्रैक्टिस से ज्यादा है तो समस्या होगी ही होगी, क्योंकि डिसयूज में है। अगर यूज में रहेंगी चीजें तभी हम बार बार प्रैक्टिस की बात करते हैं, आप एक रूटीन में रहने की बात करते हैं। मैं कहती हूँ डेली मिलेंगे, चाहे थोड़ा बहुत लेट हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन मिलेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे, वो एक फ्लो बना रहना चाहिए ताकि हम सीखते रहें। इसीलिए लेट्स लर्न पे ऑलमोस्ट 365 दिन ही अवेलेबिलिटी रहती है मेरी आपके साथ, कभी कभी छुट्टी होती है। तो ये एक बात हो गई लॉ ऑफ यूज, प्रयोग और अप्रयोग का सिद्धांत, जो भी आप कहना चाहें, ये प्रैक्टिस के ही अंदर आएगा। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत, ये भी बहुत मजेदार है। लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव, अगर किसी चीज का आप पर प्रभाव ही पॉजिटिव नहीं है तो आप वो चीज दोबारा नहीं करेंगे। जिस चीज का प्रभाव आप पर पॉजिटिव पड़ता है, अच्छा पड़ता है, वो काम आप दोबारा करते हैं, उस जगह आप दोबारा जाते हैं। जिन रिश्तेदारों का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं है, आप बच के निकलने की कोशिश करते हैं, वो वहां दोबारा जाने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना? जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आप चाहते हैं कि और 10 मिनट बैठा जाए। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, मान लीजिए आप, ये कल परसों शायद मैं डिस्कस कर रही थी ये कहीं, तो मैं डिस्कस भी कर रही थी, मान लीजिए आप कहीं खाने गए हैं और आपको अच्छा नहीं लगा कोई रेस्टोरेंट, अभी मैं एग्जांपल दे रही थी अभी कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट का, तो वहां ऐसी वाइब आ रही थी, ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट मैं और मेरी एक फ्रेंड हम लोग चले गए और वहां वाइब ऐसी आ रही थी कि बिल्कुल मतलब जिंदगी खत्म हो चुकी है, ऐसे 60 और एकदम बिल्कुल एक अलग ही एज ग्रुप था, 60s में लोग थे। अब ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है उनकी, बट हमारी वाइब अलग होगी, कोई म्यूजिक नहीं है, एकदम रोने का सा माहौल है ना, तो एक 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 वो वाइब बड़ी अजीब सी है। मतलब प्रभाव, वाइब का मतलब क्या है यहाँ, प्रभाव पॉजिटिव नहीं पड़ रहा हम पर, तो हम दोबारा नहीं जाएंगे कभी भी, खाने में भी मजा नहीं आया। तो प्रभाव यदि पॉजिटिव है आपके ऊपर तो आप उसको दोबारा करेंगे, दोबारा करने के लिए मोटिवेटेड होंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। तो ये मोटिवेशन से भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं। ठीक है बात।
भाई किसी टीचर का अगर आप पर अच्छा प्रभाव है तो आप उसको, अभी हम लोग लगभग 3,500 के आसपास जुड़े हुए हैं, 3,374 और लाइक सिर्फ 2,500, मतलब लाइक शेयर कर दिया करो यार, क्या जाता है। खैर, तो प्रभाव ही है ये शायद कि आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव लगता होगा या अच्छा लगता होगा, इंटरेस्ट बन पाता होगा, तब हम यहाँ पर डेली जुड़ पा रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ आपको पेटीएम करा दिया हो कि आ जाओ चलो, है ऐसा भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट राघव, चलिए बहुत बढ़िया। आज मेरी कहानी सुन लो थोड़ी सी, अपनी कहानी कम सुनाओ, है ना, क्योंकि फिर समस्या आएगी, थ्योरी को अच्छे से करेंगे बाद में भी, देखते हैं ना कई लोग। चलिए, बफरिंग नहीं है यहां से। तो तीन नियम हमने पढ़े जो कि मेन है, प्राइमरी है, मुख्य है, जिनके बिना लर्निंग नहीं हो सकती। अगर आप लर्निंग करा रहे हैं तो इन तीनों का ध्यान रखें, टीचर हैं तो भी ध्यान रखें, पेरेंट्स हैं तब भी ध्यान रखें, विद्यार्थी हैं तब भी ध्यान रखें, कि आप कैसे माहौल सही बनाएं, किसी चीज का इंपैक्ट आप पर अच्छा हो। भाई पढ़ाई करनी है ना, तो एक कोशिश करो कुछ तरीका ढूंढा जाए, चलो लेट्स लर्न पे ही पढ़ते हैं, शुरुआत तो होगी कहीं से, इफेक्ट तो रेडीनेस आएगी वहां से। फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस तो करनी ही है हर हालत में, चाहे वो हम वीडियो देख के करें, चाहे खुद से करें, या जैसे भी करें, और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव यदि सही होगा किसी चीज का तो हम उसको आगे रिपीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंडरी लॉज पढ़ते हैं, इनमें भी बड़े मजेदार लॉज हैं। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी गौण नियम सीखने के। जैसे पहला नियम है लॉ ऑफ प्राइमेसी, छोड़ो मैं एग्जांपल नहीं लूंगी इसका, आ जाओ। तो कुछ 8 नियम हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी से लेके रीसेंसी, इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, एनालॉजी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, पार्शियल एक्टिविटी। ये अलग अलग ही कराऊंगी मैं, यहाँ पे दिया नहीं हुआ मैंने, अलग अलग कराऊंगी, एक एक करके समझेंगे इनको, बस थोड़ा सा और काम है इस थियोरी में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। नहीं तो मैं जो ऑल इंडिया स्टेट टेट पेडागॉजी वाली सीरीज है उसमें कुछ कुछ ऐड करूंगी। अब पहला नियम है लॉ ऑफ प्राइमेसी का, प्राइमेसी हिंदी में मत पूछना क्योंकि कुछ जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज याद रखा जाए तो अच्छा रहेगा। पहला लॉ है सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ प्राइमेसी। अच्छा, इन लॉज के बाद हम एक और चीज करने वाले हैं, या फिर अभी कर लेते हैं, अभी 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 कर लेते हैं लॉज, सेकेंडरी लॉज पे बाद में जाएंगे। अब एक तो चीज है थॉर्नडाइक की थियोरी है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है, थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया थॉर्नडाइक ने बहुत सारा काम किया है लर्निंग में, थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व कह सकते हो आप हिंदी में। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से जोड़ा जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, अभी इतने आपके दिमाग में वो तीन लॉस स्थिर हो जाएंगे तब हम आगे के लॉस पे जाएंगे, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में लर्निंग ट्रांसफर हो सकती है, कई बार नेगेटिवली, कई बार पॉजिटिवली, कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा जहां एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे, एलिमेंट्स जहां पर आइडेंटिकल होंगे, मान लीजिए ये है साइकिल चलाना, इसमें कुछ 5 एलिमेंट है, हैंडल पकड़ना, बैठना, पैडल लगाना, मान लीजिए 6 एलिमेंट है। दूसरी तरफ है आपका मोटरसाइकिल चलाना या बाइक चला रहे हैं आप, राइड कर रहे हैं, यहां पर हैंडल पकड़ना कॉमन है दोनों में, तो एलिमेंट आइडेंटिकल हो गया। दूसरा बैलेंस बनाना, पकड़ करके पैर भी नीचे उसी तरीके से रखे हुए हैं, आइडेंटिकल हो गया। सामने देखेंगे आइडेंटिकल हो गया, है ना, और भी एक दो चीजें आइडेंटिकल हो जाएंगी। मतलब 6 पॉइंट्स में से या 6 एलिमेंट्स थे मान लीजिए साइकिल चलाने में, इनमें से 4 आइडेंटिकल हैं बाइक में भी, कॉमन है एक तरीके से, सेम है, तो लर्निंग क्या होगी, जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो जिनको साइकिल आती है उनको बाइक चलाने में मदद मिलेगी। तो जहां पे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, यदि कुछ एलिमेंट्स, जितने ज्यादा एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे, कॉमन होंगे दो चीजों में, दो एक्टिविटीज में, उतनी जल्दी ट्रांसफर होगा लर्निंग का, एक सिचुएशन से सीखी हुई लर्निंग दूसरी सिचुएशन में मदद करेगी। तीन प्रकार के ट्रांसफर की बात थॉर्नडाइक करते हैं। अब वो तीन प्रकार कौन से हैं, तीन प्रकार कौन से हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का, पॉजिटिव जो मोटरसाइकिल और साइकिल में होगा, क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सेम,
ये दोनों मार्कर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है इनमें। तो इसी तरीके से जितने एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे, कॉमन होंगे, सेम होंगे, उतनी जल्दी नेक्स्ट सिचुएशन में लर्निंग ट्रांसफर हो जाएगी। एक है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव में क्या होगा, यहां पहली स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में सीखने में लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरा है जीरो, यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता एक सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग का दूसरी सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग से कोई रिश्ता नाता नहीं है, है ना, डबल जीरो हो जाएगा बिल्कुल। कोई समस्या आ रही है यहां तक बताओ एक बार कमेंट करके, बताइए थोड़ा सा। नो no. चलिए बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। दिमाग में क्लियर है, दिमाग से क्लियर। ये टाइम दूध पीने का होता है मानसी जी, कॉफी की जगह दूध पिया करो, डॉली कह रहे हैं। अभी ऐसे नाइट आउल होते हैं ना कुछ लोग, अभी सुबह सोना है 4-5 बजे, तो अभी तो सुबह हुई है ना? देखो एक बार पी लेंगे, वैसे आप कह रहे हो तो। देखो पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो एक सिचुएशन में सीखी गई नॉलेज दूसरी सिचुएशन में मदद करेगी पॉजिटिवली। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो वो आपको बाइक चलाने में मदद करेगा। अगर आपको वो क्वालिटी कीपैड वाले फोन आते थे ना पहले, अगर वो आप अच्छे से यूज कर देते तो कंप्यूटर पर भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेम होंगे एलिमेंट्स, है ना। और क्या हो सकता है, टाइपराइटर जो लोग यूज करते हैं उनको कीपैड इस पे कीबोर्ड पे हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। नेगेटिव ट्रांसफर क्या है, आपने कोई चीज सीखी एक सिचुएशन में, वो दूसरी सिचुएशन में, जैसे फिजिक्स की कुछ चीजें, मैथ्स की कुछ चीजें फिजिक्स में काम आ जाती हैं, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। लेकिन नेगेटिव में क्या हो सकता है, बिल्कुल अलग हैं दो चीजें, या तो पुरानी सिचुएशन में जो आपने सीखा था वो आपको हिंडर कर रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है, वैसे होना नहीं चाहिए यदि संसाधन के रूप में यूज करें हम तो, अदरवाइज तो एक लैंग्वेज सीखी हुई नई लैंग्वेज को सीखने में कई बार बाधा भी बन जाती है, तो वो नेगेटिव हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देती हूँ कि इंडिया में जो कार्स हैं वो राइट हैंड साइड चलती हैं, मतलब स्टीयरिंग उनका राइट हैंड साइड है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस हो, कनाडा हो, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड है जो स्टीयरिंग है। तो अगर बंदा वहां से कोई आता है, जैसे मेरे एक भैया है उनको प्रॉब्लम होती है, तो निश्चित रूप से नेगेटिव ट्रांसफर है लर्निंग का, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड से आप यूज कर रहे थे, वहां लेफ्ट पे है स्टीयरिंग, तो आपको पूरे रूल्स का भी उस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्योंकि आपने पहले से राइट हैंड साइड में सीखी हुई थी, ये चीज आपको प्रॉब्लम करेगी, बाधा बनेगी दूसरी सिचुएशन में। या फिर फॉर एग्जाम्पल विंडोज और मैक का एक एग्जाम्पल है, जो लोग विंडोज कंप्यूटर यूज करते हैं और जब वो शिफ्ट करते हैं मैक ओएस पर, मैकिंटोश जिसको हम कह रहे हैं, जो एप्पल अपने कंप्यूटर्स में यूज करता है जिस टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर को, तो वहां ये दोनों डिफरेंट हैं बहुत सारी चीजें, तो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। ये जो आपने इसमें सीखा था विंडोज में, वो आपको मैक में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपने जो ये यहां सीखा था वैसे ही आप कमांड, वहां कमांड है, यहां आप कंट्रोल ढूंढ रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें पहली सिचुएशन में सीखी गई नॉलेज दूसरी सिचुएशन में यदि प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वो नेगेटिव ट्रांसफर, यदि फायदा करे तो पॉजिटिव ट्रांसफर, कोई फर्क ही ना पड़े। अभी मैं जाके गाना गाऊं, यहां पढ़ाऊं, कुछ और करूं, गेम खेल लूं, दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो जीरो हो गई। तो अगर एक सिचुएशन में सीखी गई नॉलेज दूसरी सिचुएशन में कोई प्रभाव नहीं डालती तो जीरो हो गई, तटस्थ भी कह सकते हो आप इसको। तो ये हुई कहानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स की, कि जब एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे तभी एक कनेक्शन बन पाएगा, तभी ट्रांसफर हो पाएगा नॉलेज का पॉजिटिवली स्पेशली। अब हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ लर्निंग की, वापस से आ जाते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। सेकेंडरी लॉज में हम पहली चीज पढ़ रहे थे लॉ ऑफ प्राइमेसी, मतलब जो चीज बिगिनिंग में होती है हमारे साथ, शुरुआत में होती है, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, है ना। ऐसे पहली वो ऐसे मैं कुछ नहीं कह रही हूं, ऐसे दर्शन रावल का गाना आया था बहुत पहले। और इसके अलावा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऐसे कहा जाता है, या बेस्ट इंप्रेशन ऐसे कहा जाता है, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो जो भी, जैसे फर्स्ट डे आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो बिगिनिंग ही, आप मेरी बात कभी नहीं सुनती, आरती कह रही है, कोई बात नहीं, सही है। मूवीज में भी काफी फेमस है ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लव, ये सारी चीजें, क्यों, क्योंकि बिगिनिंग का यानी शुरुआत का हमारे ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा है, तो बिगिनिंग ही अच्छी होनी चाहिए। बच्चे की शुरुआत से ही आप जब लर्निंग करा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई कोर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से वहीं से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कहा जाता है ना शुरुआत ही खराब हो गई यार,
मतलब वो इम्पैक्ट आपका शुरुआत, या तो आपको पहली चीज याद रहती है या आखिरी चीज याद रहती है, या कोई वियर्ड सी चीज हो तो याद रहती है ना। तो बिगिनिंग ही अच्छी रहनी चाहिए, जो शुरुआती चीजें हैं या जो पहले एक्सपीरियंसेस हैं वो ज्यादा हम पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बात मिलेंगे साधना, जल्दी मिलेंगे। बहुत बढ़िया, सही है। देखो रूपा को, कई लोगों को तो बहुत कुछ याद आ गया। सॉन्ग क्या है मैम? दर्शन रावल का। अरे वो बहुत फेमस हुए थे उस टाइम पे, स्टार प्लस पे जब इनका ये आया था, एक सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया था। छोड़ो क्या रखा है इन बातों में। देखो लॉ ऑफ, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रीसेंसी। जो चीज रिसेंटली हुई होती है वो भी हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। जैसे कोरोना अभी हुई कहां है, चली रही है ना, तो रिसेंटली जो भी चीजें होती हैं वो हमें याद रहती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बार बार रिवाइज कराइए। पेपर से एक दिन पहले आप रिवाइज कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज रिसेंट बनी रहे, वो रिसेंसी में रहे आपको, यार अभी तो किया था, है ना। तो रिसेंसी का भी हम पे इंपैक्ट रहता है। लर्निंग अच्छी होती है यदि रिसेंट हो, तो इसीलिए हम रिवीजन को या प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए मैं और आप यहां जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप थ्योरी बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अलग अलग, क्यों? क्योंकि रिसेंसी का प्रभाव है। बिल्कुल सही बात है ऋतु, सुनाओ फिर सॉन्ग। हाँ 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 सही है, क्या कह दिए हो। केवीएस की क्लास क्यों बंद कर दी? अरे करेंगे स्वास्थ्य, उसको बीच बीच में लाएंगे लाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। वो दिन में कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, फिर उसमें वही इशू है, हेल्थ इशूज आ रहे हैं, उतना सारा फिर लोड ले नहीं पा रही मैं। करेंगे उसको कंटिन्यू। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस। इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस यही मैं बता देती हूं। यदि किसी स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत है आपके ऊपर, अगर आपके लिए जो ये केवीएस है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है आपके ऊपर, तो क्या होगा? लर्निंग तेजी से होगी। भाई अगर भूखी नहीं होती बिल्ली तो इंटेंसिटी नहीं थी स्टिमुलस में, उद्दीपक में, जिस चीज के लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी जरूरी है, मतलब उसका प्रभावी होना जरूरी है कि वो आपको प्रभावित कर पाए। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स अच्छा है। जब तक हम किसी काम को सही से करना नहीं सीख जाते, या सही डायरेक्शन में, या जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक हम बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, कर करके ट्राई करते हैं। बिल्ली भी जब तक सही रिस्पॉन्स तक नहीं पहुंची थी, कई सारे रिस्पॉन्स उसने किए। तो हम मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हैं जब तक हम फाइनल सही रिस्पॉन्स तक नहीं पहुंच जाते, जिसके लिए हमें रिवॉर्ड किया जाएगा, है ना। तो इनिशियली हम बहुत सारे रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चीज के लिए, इनिशियली मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हम देते हैं जब कोई भी एक्टिविटी हम शुरुआत करते हैं, जब तक सही तक नहीं पहुंच जाते और हमें रिवॉर्ड नहीं मिल जाता। आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। जिस चीज के प्रति आपका जैसा नजरिया होगा, पर्सपेक्टिव होगा, आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी, वैसा आप उसको सीखेंगे। यदि आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं नजर आती एग्जाम की, या आपका एटीट्यूड ही नहीं है, यार मुझे तो ये करनी नहीं है, जबरदस्ती घर वालों की वजह से पेपर देने जाना पड़ रहा है, तो आप तैयारी नहीं करेंगे। मेरे जैसे बच्चे हो जाएंगे, घूमते फिर रहे होंगे, मजे से चाय पी रहे होंगे, है ना। तो या फिर अगर आपका एटीट्यूड है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है और मैं इसको अच्छा मानता हूं, या मुझे करनी है, या नीड है, जो भी एटीट्यूड आपका जिस चीज के प्रति जैसा एटीट्यूड होता है, वैसा ही हम अपने एक्शंस में भी फिर हमें दिखने लगता है। मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ खड़ी हुई होती हूँ डेली, ठीक। तो एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत सारी बात हो गई। लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी मतलब कुछ चीजों में, जैसे कोई सिचुएशन आपके साथ, कोई घटना घटी, कोई नई घटना घटेगी, तो आपने जैसा उस तरह की घटना में पहले रिस्पॉन्ड किया होगा, वो चीज यहां भी काम आएगी आपको। समानता है दोनों में, जो जितनी समानता है वो रिस्पॉन्स आपका यहां भी शिफ्ट हो जाएगा, काम आ जाएगा अगर मैं कहूं तो। फिर है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। एनालॉजी में है प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर आपने नई सिचुएशन में क्या कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया या एक्शन ले लिया। एसोसिएटिव शिफ्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। एसोसिएटिव शिफ्टिंग को समझने से पहले हम पार्शियल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि वो उसमें कंफ्यूजन सभी को रहती है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कर लेते हैं। पार्शियल एक्टिविटी क्या है? बेसिकली थॉर्नडाइक ने कहा कि एक ही बार में सब कुछ करा देने से अच्छा है कि आप बच्चे को पार्ट्स में सिखाएं। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंप्लीकेशन भी है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी क्या कहता है?
मतलब हम कंप्लीट ना देख करके चीजों को, हालांकि ये उल्टा है अगर देखा जाए इनसाइटफुल लर्निंग के, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बेसिकली उनको क्रिटिसाइज भी किया था कि लर्निंग क्या होती है, इंक्रीमेंटल होती है, धीरे 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 सिस्टमैटिकली स्मॉल स्टेप्स में हम सीखते हैं बजाय कि एक होल के रूप में, जो इनसाइटफुल लर्निंग या दृष्टि, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद का, उसको उन्होंने अपोज किया एक तरीके से। तो उन्होंने कहा लर्निंग इंक्रीमेंटल है, पार्ट्स में होगी। तो हम किसी भी सिचुएशन को कंप्लीट ना देखने की वजह से, जगह पर बजाय हम क्या करते हैं उसके कुछ पार्ट्स पे हमारा फोकस होता है। तो लर्निंग को पार्ट्स में कराया जाए, टुकड़ों में तोड़ करके, और वो चीजें हम स्कूल में पढ़ाएं जो काम की हैं, जो सच में रियल लाइफ में बच्चों के काम आने वाली हैं। ठीक, तो बजाय एक साथ सब कुछ कराने के पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि हमारा जो फोकस है किसी भी एक सिचुएशन में वो कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलस पे ही होता है, सब पे नहीं होता। तो इसलिए इसको पार्शियल एक्टिविटी कहा गया है। अब बचता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लास्ट लॉ है आज के लिए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या कहता है ये भी थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो एसोसिएटिव नाम से ही समझ पा रहे हो कि कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन की बात होगी। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि आपने कंडीशनिंग करा दी, ये पैवलोव से भी थोड़ा सा प्रभावित है, कि कंडीशनिंग करा दी आपने एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स की। अब वो स्टिमुलस के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो उस स्टिमुलस के साथ किसी और स्टिमुलस को भी। जैसे आप देख रहे थे जो पैवलोव की थ्योरी, शायद आप में सभी ने पढ़ी होगी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, मैंने बनाई हुई है वीडियो यूट्यूब पर भी। उन्होंने क्या किया, पहले फूड के साथ जो खाना है उसके साथ रिस्पॉन्स को एसोसिएट कर दिया कि कुत्ता जैसे ही खाना देखता है तो लार आती है। फिर उस खाने के साथ साथ बैल को भी एसोसिएट कर दिया, मतलब वो जो रिस्पॉन्स था उसको एसोसिएट कर दिया, शिफ्ट करा दिया किसी और स्ट्यूमलस पे। मतलब हम वो सिखा सकते हैं बच्चे को जो उसके अंदर सीखने की क्षमता है, एसोसिएट करके या शिफ्ट करा करके स्ट्यूमलस। अगर आपने एक चीज सिखा दी आप दूसरी भी सिखा सकते हो, स्ट्यूमलस को शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहां क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को, देखो ये थियरीज डीप में अगर सीखनी है उसके लिए पेशेंस चाहिए ही चाहिए, फिर वही समस्या आती है, फिर इसीलिए लोग कोर्स में दौड़ लगाते हैं, इतनी डिमांड है करियर पे अभी भी के सीडीपी का कोर्स है, जस्ट रोका हुआ है उसको क्योंकि ठीक है मतलब अभी नहीं है मूड, तो इसके लिए पेशेंस चाहिए। बड़ी थियरीज है, इनको समझने में मजा आएगा तभी जब आप तैयार होंगे। देखो एक बार अगर मैं बात करूं यहां, तो ये फिश थी थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में, फिश मिल गई, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बन गया, लर्निंग हो गई, कैट गई और फिश को उसने पा लिया, खा लिया जो भी है। अब क्योंकि इस स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कनेक्टेड है इस बिल्ली का, कैट का, अब इस रिस्पॉन्स को किसी और स्टिमुलस पे कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसी को एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहा गया है। अब क्या किया उन्होंने, फिश को उठा के धीरे 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 ऊपर लेके गए। अब वो फिश की वजह से आ रही है लेकिन वो उठना भी सीख रही है, तो एक जगह से आपने शिफ्ट कर दिया दूसरे स्टिमुलस पे। अब उसकी फिश दे रहे हैं और कह रहे हैं स्टैंड अप, तो धीरे धीरे खड़ा होना सीख जाएगी, स्टैंड अप भी सीख गई। अब खाली उसको स्टैंड अप भी कहा जाएगा तब भी वो खड़ी हो जाएगी बिना फिश के भी, दैट मींस शिफ्ट कर दिया स्टिमुलस। तो एक स्टिमुलस से अगर लर्निंग हो गई तो आप उसको दूसरे स्टिमुलस पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जो बच्चा सीखने के लायक है उसको आप वो चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है बात, बस थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। तो यहां स्टैंड अप प्लस फिश, ठीक हो गई बात। कोई समस्या हो तो बताओ, लेट्स लर्न छोड़ के मत जाना कहीं। अरे लेट्स लर्न छोड़ के कहाँ जाऊंगी, वो तो पैरेलली चीजें चलती रहें बाकी जगह पे, ठीक है वो, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सब जगह का अपना एक महत्व है कह लीजिए, क्योंकि हम लोग काफी संख्या में जुड़े हुए हैं, है ना। इवन 3 साल तक लगातार कहीं थी ही नहीं, अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर ही ज्वाइन किए हैं चीजें भी, वो भी वैसे ही चल रही हैं सिर्फ एक टीचर के रूप में ही। बाकी देखेंगे, एक एक्सटेंसिव कोर्स कम से कम भी बहुत बड़ा सा कोर्स प्लान होगा, फिर उसमें बहुत ही बिल्कुल वही लोग चाहिए होंगे जो डेडिकेटेड हों बिल्कुल समझने के लिए, है ना। खैर एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात हो गई, ये सारे लॉज हमने किया, अब इसको एजुकेशन में कैसे यूज करें हम इस थियोरी को। हमने सीखा क्या क्या इस थियोरी से ये बता दो, लाइक शेयर ना किया हो तो पहले वो कर दो और फिर ये बताओ कि हमने सीखा क्या क्या इस थियोरी से आज, बताइए एक बार। आईपीएल नहीं देखते आप? नहीं मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ आईपीएल,
एक्चुअली मैं बहुत ही कम काम करती हूँ ऐसे जिनमें बहुत टाइम वेस्ट हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. और लेकिन देखूंगी कभी थोड़ा सा फ्री होंगी तो, अभी तो 1-2 साल बिल्कुल फुर्सत नहीं है. तो ये देखो एक बार, मैं कुछ कुछ हाईलाइट देख लेती हूँ कभी. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या सीखा हमने ये बताओ यार. आईपीएल के टाइम पे आप लोग इतने सारे आ जाते हो, कमाल है, मतलब गजब कर दिए हो. है फर्स्ट लॉ समझा दो, अभी समझा देंगे. नोट्स बनाओ बैठ के बिल्कुल. हाँ मुकेश जी गाना गा रहे हैं, पहला पहला प्यार है, तो ये बिल्कुल सही बात है. वो कौन सी मूवी है, ये कोई तो मूवी है. तो वो लॉ ऑफ प्राइमेसी है, जो चीज पहले हुई है, बिगिनिंग का हम पे इम्पैक्ट है. पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम आजकल, है ना. तो बिगिनिंग या शुरुआत का, फर्स्ट इंप्रेशन का इम्पैक्ट रहता है. आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिले हैं तो वो चीज आपके दिमाग में होगी, उसके बाद आप पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, याद भी नहीं होगा आपको. जैसे आज 9 अक्टूबर है और मैं फर्स्ट डे शायद, क्योंकि मैंने एडमिशन लेट हुआ था, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ था, तो थोड़ा उठापटक चल रही थी कि लेना है कि नहीं लेना है डाइट में. तो मेरा फर्स्ट डे था डाइट में 2014 में, 6 साल हो गए. तो मेरी एक बहुत ही अच्छी मैम है, उनसे भी मैं आज फर्स्ट डे मिली थी, और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी है एक, उससे भी मैं आज पहली बार मिली थी. तो लॉ ऑफ प्राइमेसी है कि मुझे याद है 6 साल बाद भी. तो वो शुरुआत कह लीजिए, बिगिनिंग वाली जो चीजें होती हैं वो याद रहती हैं आपको. वैसे भी मुझे डेट्स याद रहती हैं, तो ये एक बेसिक सी बात है, लॉ ऑफ प्राइमेसी से याद आ गया, है ना. खैर आ जाइए वापस से अब. ग्रेट, नोट्स डेली बनाते हैं, अब तक के सभी नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है डॉली. थैंक यू रंजीत. ग्रेट शिवांगी. ग्रेट ज्योति. एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे आईपीएल को, जो लोग कम स्क्रीन यूज करते हैं उनके लिए ठीक है, बट मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी स्क्रीन में ही रहती हूँ. यूट्यूब मेरे लिए काम ही है एक तरीके से, है ना. तो थोड़ा सा फिर इंसान चाहता है कि कुछ और किया जाए, जब खाली समय हो तो बाहर घूमा जाए, दोस्तों से बात की जाए, कुछ और किया जाए जिससे थोड़ा दिमाग चेंज हो, है ना. हर टाइम वीडियोज देख देख के ही जिंदगी चल रही है और बना बना के. तो मेरे लिए वो एक तरीके से अभी की स्थिति में टाइम वेस्ट कहलाएगा. आगे बताओ फटाफट से. जी वंदना, क्या सीखा इस थियरी से ये बता दो. अब बहुत बातें हो गई. नहीं अमृता अभी अवेलेबल नहीं है. कमाल हो मैम, ज्यादातर को डेट ही याद नहीं रहती. अरे सब याद रहता है शिखा. ग्रेट, चलो फिर. एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आईपीएल नहीं. बिल्कुल सच बात है दिव्या, बिल्कुल सच बात है. उनका अपना अलग चल रहा है, आपके जीवन किससे चलेगा वो प्राइमरी चीज आपको देखनी पड़ेगी, या तो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना. ऐसे कई लोग हैं. चलो आ जाओ, अब क्या सीखा इस थियरी से ये बताओ. इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि एक तो हम बच्चों को रिविजन पे फोकस करें, प्रैक्टिस पे फोकस कराएं. प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रिविजन इंपॉर्टेंट है, माहौल इंपॉर्टेंट है यानी रेडीनेस इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रभाव पड़े ये चीज इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स में सिखा पाए ये भी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट होती है लर्निंग ऐसा कहते हैं ये, मतलब सारे बिहेवियरिस्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें हैं. एलिमेंट्स यदि आइडेंटिकल हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में तो लर्निंग आसानी से शिफ्ट हो जाएगी, ये भी बात हो गई. तो ये सारे एजुकेशनल इंप्लीकेशन हैं जो थॉर्नडाइक कहेंगे कि जिनको हम यूज कर सकते हैं, ट्राई करते रहना चाहिए, और ट्रायल एंड एरर करके हम सीखते हैं, लर्निंग होती है जो कि बेसिक फॉर्म है लर्निंग की. तो यही कहानी है आज के लिए, इतनी ही बात, थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है. एग्जैक्टली. चलिए फिर, बहुत लंबा सेशन हो गया है, 43 मिनट से हम यही डिस्कस कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल शिवांगी, और जीवन में है ही क्या यार, है मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. वैसे भी कुछ और लेकर के, ये थोड़ी याद रहता है आपकी पॉकेट में कितना कैश पड़ा हुआ है, क्या करोगे उसका, है. ठीक है भूखे नहीं रहो वो एक डिफरेंट बात है, बट मेमोरीज तो डिफरेंट चीजों से ही बनती हैं. खैर और कोई समस्या हो तो बताओ. लगता है सीडी के लिए घर आना पड़ेगा आपके. अरे बहुत बढ़िया शुभांगिनी, अच्छा लगेगा, आइए आप. हिंदी के अभी रहते हैं कुछ 7-8 सेशन और रहते हैं हिंदी के. कल मैं सीटेट की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी 9:30 बजे ही रात को, और मंडे को फिर हम हिंदी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. दो दो दिन में चेंज करते रहेंगे सब्जेक्ट, ताकि जो लोग हिंदी नहीं कर रहे हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, वो
परेशान ना हो, बाकी भी चीज़ें हम रिवाइज करते रहेंगे। चलिए, बहुत मज़ा आया आज के डिस्कशन में। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए।